अगला समास है बहुव्रीहि समास। इस समास में समस्त पद के बजाय कोई और पद महत्वपूर्ण माना जाता है। दिखाई देने वाले पदों से अन्य पद प्रधान होता है। इसके दो भेद हैं, समानाधिकरण बहुव्रीहि समास और व्यधिकरण बहुव्रीहि समास। समानाधिकरण बहुव्रीहि समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों समान विभक्ति में मौजूद होते हैं, जबकि व्यधिकरण बहुव्रीहि समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों अलग विभक्ति में मौजूद होते हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ समानाधिकरण बहुव्रीहि समास के बारे में ही पढ़ेंगे। चत्वारि मुखानि यस्य सः, चार है मुख जिसके वह, चतुर्मुख। पूर्व पद है चत्वारि और मुखानि है उत्तर पद, पर ये दोनों पद प्रधान नहीं है, ये किसी अन्य पद को व्यक्त कर रहे हैं जिनके चार मुख है और वो है भगवान ब्रह्मा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, लंबोदरः। समस्त पद में से उत्तर पद को चुनकर लिखेंगे, तो उत्तर पद है उदर। अभी उदर जो शब्द है वो नपुंसकलिंग शब्द है, तो उत्तर पद में लिखते वक्त हम उसको नपुंसकलिंग एक वचन फॉर्म में लिखेंगे, तो आंसर है उदरम। नेक्स्ट, पूर्व पद होगा लंब, पर इस एग्जाम्पल में लंब जो शब्द है वो विशेषण है और उदरम शब्द संज्ञा है, तो विशेषण को संज्ञा के अनुसार लिखेंगे, इसलिए लंब शब्द को नपुंसकलिंग एक वचन में लिखेंगे, क्योंकि उदरम शब्द भी नपुंसकलिंग एक वचन में है, तो उत्तर हुआ लंबम उदरम। लंबोदरह शब्द का मतलब है बड़ा है पेट जिसका वह, तो जिसका यह जो शब्द है वो संस्कृत में लिखते वक्त यत् सर्वनाम षष्ठी विभक्ति का शब्द होगा जो संबंध कारक में पड़ता है। संबंध कारक षष्ठी विभक्ति में है, इसलिए यत् सर्वनाम षष्ठी विभक्ति का पुल्लिंग एक वचन शब्द लिखेंगे, क्योंकि लंबोदरह जो समस्त पद है वो पुल्लिंग एक वचन फॉर्म में है, तो यत् सर्वनाम षष्ठी विभक्ति पुल्लिंग एक वचन फॉर्म होगा यस्य। आखिर में तत् सर्वनाम का प्रथमा विभक्ति एक वचन पुल्लिंग शब्द लिखेंगे, क्योंकि लंबोदरह जो समस्त पद है वो प्रथमा एक वचन और पुल्लिंग में है, इसलिए उत्तर होगा सह। तो समास विग्रह है लंबम उदरम यस्य सह। संस्कृत में लंबोदरह शब्द भगवान गणेश जी के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो ये समास भगवान गणेश को व्यक्त करता है। फर्स्ट टू एग्जाम्पल्स में यत् सर्वनाम का षष्ठी विभक्ति का शब्द यूज किया था, पर हमेशा वही इस्तेमाल करना चाहिए, ये जरूरी नहीं होता। समास विग्रह का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, सबसे पहले तो पूर्व पद है, उसका लिंग विभक्ति और वचन उत्तर पद के अनुसार होता है, फिर आता है उत्तर पद, बाद में यत् सर्वनाम का शब्द आता है जिसका लिंग और वचन समस्त पद के अनुसार होता है और विभक्ति पूरे समास के अर्थ के अनुसार। आखिर में तत्सर्वनाम का शब्द आता है जिसका लिंग विभक्ति और वचन समस्त पद के अनुसार होता है। अगर समास विग्रह दिया और उसका समस्त पद लिखना है, तो पहले तो जो समास विग्रह में मौजूद पूर्व पद और उत्तर पद के मूल रूप लिखने हैं, उसके बाद समस्त पद का जो लिंग विभक्ति और वचन है वो समास विग्रह में मौजूद तत्सर्वनाम के शब्द के अनुसार होता है, तो जो लिंग विभक्ति वचन तत्सर्वनाम के वो शब्द में जो लिंग विभक्ति वचन है वही समस्त पद को लगता है। तो ये था बहुव्रीहि समास। इफ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर इट, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल।